इजिप्ट ट्रिप सिर्फ 24,750 रुपए में, 24,750 रुपीस में मैंने किया है। कैसे किया है पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। पूरा लेखा जोखा मैंने लिख के लाया हूँ, किस किस जगह पे मेरा कितना कितना टोटल खर्चा हुआ, फ्लाइट का खर्चा, होटल का खर्चा, घूमने फिरने का खर्चा, खाने का खर्चा। टोटल मेरा 8 डेज का ट्रिप था। मैंने टोटल 8 डेज का ट्रिप कैसे प्लान किया, कैसे मैंने पैसा बचाया और कैसे इतना कम खर्चे में मैंने इजिप्ट ट्रिप किया, पूरा इन्फॉर्मेशन डेटा मैं विद द प्रूफ आपको दूंगा। अब हर एक वीडियो का ये जो मेरा खर्चे का हिसाब, मेरा जो टोटल इजिप्ट ट्रिप का वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, द रियलिटी फैक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ। दोस्तों, इजिप्ट ट्रिप सस्ते में करने के लिए आपको पहला जो चीज़ नहीं करना है, आपको किसी ट्रैवल एजेंट के पास नहीं जाना है। अगर किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाओगे, आपको तो 1 से 1.5 लाख का आपको इजिप्ट ट्रिप का आपको पैकेज आपको इंक्लूड कर देगा। तो आपको कोई भी मीन्स ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी आपको ट्रैवल एजेंट के पास नहीं जाना है, आपको सिर्फ खुद से आपको ट्रिप ये प्लान करना है। तो बट इस ट्रिप में मैं एक चीज़ का प्राइस में इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, दैट इज़ द जो एंट्री फीस ऑफ डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस। क्यों मैं एंट्री फीस इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, देखो इजिप्ट एक बहुत ही बड़ा मुल्क है। इजिप्ट में बहुत ऐसे हज़ारों सैकड़ों हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। किसी का एंट्री फी है 50 इजिप्शियन पाउंड, किसी का एंट्री फी है 100 इजिप्शियन पाउंड। ऐसे सभी चीज़ का एक्सपेंडिचर मैं इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डिस्क्राइब। वो ऑनलाइन में जाकर आप चेक भी कर सकते हो। तो कोई सिर्फ पिरामिड देख के वापस आ जाता है, कोई पिरामिड के साथ 2-3 चीज़ 4 चीज़ देख लेता है, पर किसी भी टूरिस्ट साइट का एंट्री फी 50 इजिप्शियन पाउंड से 150 इजिप्शियन पाउंड, मैक्स टू मैक्स 200 इजिप्शियन पाउंड के अंदर ही होता है, इससे ज़्यादा इन जनरल नहीं होता है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कौन सा जगह पे आपको जाना है, कौन सा जगह पे नहीं जाना है, ठीक है जी। तो शुरू करता हूँ मैं, बाकी सभी खर्चे का डिटेल्स मैं लेखा जोखा आपको दे रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए कैसे आपको टोटल बुक करना है। तो इजिप्ट जाने का तो पहला खर्चा आता है दोस्तों, दैट इज़ द फ्लाइट। देखो फ्लाइट का फेयर बहुत ही फ्लैक्चुएट होता है, मीन्स ऊपर नीचे होता है। तो पहले तो जान लीजिए, इंडिया का 2 ऐसे जाने माने शहर है जहाँ से ज़्यादा इजिप्ट के लिए फ्लाइट जाता है, दैट इज़ नंबर 1 दिल्ली, दिल्ली इज़ आवर कैपिटल, एंड नंबर 2 मुंबई। इस दोनों शहर से सबसे ज़्यादा इजिप्ट फ्लाइट ऑपरेशन में रहता है। तो मैंने फ़्लाइट लिया मुंबई से। अगर ऐसे नहीं, आप दूसरे शहर में भी रह सकते हो, मीन्स आप कोलकाता से गुजरात से, बट आप वहाँ से मुंबई आ जाओ ट्रेन से, बस से, लोकल डोमेस्टिक फ्लाइट से, इट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद आप मुंबई से डायरेक्टली और दिल्ली से डायरेक्टली फ़्लाइट ले लो। तो मैं खर्चा बोल रहा हूँ मुंबई से। मुंबई से इजिप्ट कायरो जाने का फ़्लाइट एक्चुअली 2 टाइम में, एक टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाता है और दूसरे टाइम बहुत कम हो जाता है। मीन्स एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी के महीने में फ़्लाइट का खर्चा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस टाइम विंटर रहता है, वहाँ फ्रॉम विंटर के टाइम में फ़्लाइट का खर्चा ज़्यादा पड़ता है। अगर आप गर्मियों के टाइम में जाओगे, समर के टाइम में जाओगे, तो आपका खर्चा बहुत ही कम हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 17,000-18,000 में भी आप आने जाने का फ्लाइट आपको मिल जाएगा। अगर विंटर के टाइम में जाओगे, जनवरी के महीने में जाओगे, आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है। इन जनरल कम भी मिल सकता, पर इन जनरल मैं बोल रहा हूँ लगभग 25,000 ऑलमोस्ट पड़ जाएगा, 23,000-25,000। तो मेरा फ्लाइट, मेरा टोटल मुंबई से कायरो आने जाने का फ्लाइट का खर्चा पड़ा 19,000, मेरा खर्चा पड़ा। मुंबई से मेरा फ्लाइट था ओमान एयर से, मेरा पहला फ्लाइट था मेरा ओमान का, जो देश का देश के फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट में ओमान का जो देश का जो राजधानी के टर्मिनल से, वहाँ से देश से 2 घंटा मेरा एक थोड़ा सा ब्रेक टाइम था, मीन्स लेआउट टाइम था, वहाँ से फिर से मुझको फ्लाइट लेना पड़ा। ओमान का ही फ्लाइट, एक ही कनेक्टेड फ्लाइट था, वहाँ से शाम तक मैं पहुँच गया था कायरो। कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलते कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर से थोड़ा सा बाहर है, आपको कायरो शहर तक पहुंचना है। आप देखो, दो लोग दो जगह पे रहते हैं, एक तो कायरो शहर का पिरामिड के पास रहता है, गीज़ा में रहता है, और लोग कायरो शहर के अंदर कोई प्राइम लोकेशन डाउनटाउन एरिया में रहता है। मेरा सजेशन है, आप इजिप्ट का जो कायरो का जो पिरामिड के एरिया, उस जगह पे आप मत रुको, बिकॉज पिरामिड का जो सराउंडिंग्स है इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। शाम के वक्त पूरा लोग खाली खाली हो जाता है, आपको करने के कुछ ऐसा नहीं रहता है, तो पूरा फालतू में आप बोर हो जाओगे। तो बेटर सजेशन है आप जाओ, आप डाउनटाउन एरिया में रहो। डाउनटाउन एरिया दिमाग में रखना, ये एकदम कायरो शहर का सेंटर है, जो एकदम टोटल बस स्टैंड सभी जो जगह है उस जगह पे से शुरू होता है, मेन सेंटर है शहर का। तो डाउनटाउन एरिया में मैंने
मुझको जाना था, तो मैं कैसे गया, मैक्सिमम लोग एयरपोर्ट से निकलते क्या करते हैं, लोग जाकर कैब ले लेता है और कैब में चढ़ते ही आपको ऑलमोस्ट 300 से 400-500 रुपए तो चला जाएगा, तो लगभग 1000 भी जा सकता है। तो मैंने सिंपल एयरपोर्ट से निकला, एयरपोर्ट से जस्ट 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस बस स्टैंड है, लोकल बस स्टैंड में जाकर मैंने लोकल बस में पहुंचा डाउनटाउन एरिया में। और यकीन मानो मेरा टोटल वहां पर बस का भाड़ा पड़ा सिर्फ 4 और 5 इजिप्शियन पाउंड सिर्फ, लेकिन 16-17 रुपए में मैं पहुंच गया डाउनटाउन एरिया में। इंडियन करेंसी 16-17 रुपए में, बिकॉज 1 इजिप्शियन पाउंड इंटू 4 करोगे तो आपको इंडियन करेंसी INR मिलता है। तो इतने सस्ते में मैं पहुंच गया डाउनटाउन एरिया में, वहां पर मैंने पैसा बचाया। आप भी ऐसे कर सकते, लोकल बस से जाओ, कंफर्टेबल बस है, लोकल इजिप्शियन से जा सकते हो, एक बहुत ही मज़ा आता है, आप लोगों से बात कर सकते हो। हालांकि सभी को इंग्लिश पता नहीं है, बट अगर आप समझाओगे दे कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो ये हो गया, मैं उस दिन पहुंच गया। तो मैं डाउनटाउन एरिया में जहां पर रहा था, मैं रहा था कि हॉस्टल में, हॉस्टल मैंने जो सर्च किया था दैट इज द booking.com से, डाउनटाउन एकदम प्राइम लोकेशन में एक हॉस्टल में लिया था, बहुत ही फर्स्ट क्लास होटल है, हॉस्टल था। और हॉस्टल का जो बेड मैंने बुक किया था दैट इज इंडियन करेंसी में सिर्फ 200 रुपए में, 200 रुपीज़ में। उसका भी वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, पूरा डिटेल्स मैंने रूम पूरा होटल का एक टूर का मैंने वीडियो दिया है कि कैसा बेड है, कितना बढ़िया सा बेड है, एसी है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, सिर्फ 200 रुपीज़ में। तो booking.com से मैंने बुक किया था, कैसे बुक किया था पूरा उस वीडियो में आप थोड़ा सा देख सकते हो। तो मैं टोटल 8 दिन रहा, 8 दिन में मेरा होटल में रहना पड़ा 5 दिन, और बाकी 3 दिन आने जाने में चला गया, 2-3 दिन आने जाने में इंटरसिटी ट्रैवल में। तो 5 दिन मैंने होटल में रुका, और टोटल 5 दिन मैंने एवरेजली मैं मान के चलो, बिकॉज सिर्फ कायरो में नहीं, लक्सोर और आसवान में थोड़ा सा 250 रुपये भी मिला, मैं 250 रुपीज़ राउंड फिगर मान के चल रहा हूँ, एक एक दिन का मेरा रहने का खर्चा 250 × 5 दिन टोटल पड़ रहा है 1250 रुपये। booking.com में जाकर अगर सर्च करोगे एकदम बेसिक सा अगर लो रेट हॉस्टल, आपको 200, 250, 230 में आपको मीन्स आराम से आपको हॉस्टल मिल जाएगा। तो मेरा हॉस्टल का रहने का खर्चा पड़ा 1250 रुपये। नेक्स्ट आ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट और ट्रांसपोर्ट। देखो ट्रांसपोर्ट में कायरो शहर में जहाँ जहाँ घुमा मैं लोकल बस से ही गया। मैं कायरो से गीज़ा, मीन्स कायरो से गीज़ा पिरामिड जाने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का एक जर्नी पड़ता है, 1 से 1.5 घंटे का। तो वो भी मैंने किया, लोग क्या करते हैं कायरो से लोग वहाँ से कैब बुक कर लेते हैं, कैब लोगे तो एक दिन में आने जाने का खर्चा आपका पड़ जाएगा 3000-3000। मीन्स आप जाओगे वो कैब आपके लिए इंतज़ार करेगा, पूरा दिन सारा दिन घूमोगे गीज़ा के अंदर, फिर वापस आओगे तो 3000 तो आपको ले ही लेगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं अभी। तो मैं गया था लोकल बस से, एकदम जो बेसिक बस स्टैंड में पैदल जाके 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पैदल चल के मैं लोकल बस स्टैंड में चला गया, वहाँ पे जाकर गीज़ा का बस ले लिया, 4 से 5 इजिप्शियन पाउंड पड़ा, गीज़ा पहुँच गया। गीज़ा पहुँचने के बाद वहाँ से भी एक ब्रेक जर्नी, दूसरा एक छोटा सा टेम्पो लेकर मैं पहुँच गया गीज़ा पिरामिड तक, 2 से 2.5 पाउंड पड़ा, 6-8 पाउंड में इजिप्शियन पाउंड में पहुँच गया मैं गीज़ा पिरामिड। उसका भी वीडियो मैं लिंक पे जाकर आप जे देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो कैसे मैं कायरो से गीज़ा पहुँचा, सिर्फ 10-12 इजिप्शियन पाउंड खर्च करके आने जाने का टोटल खर्चा कितना सस्ता पड़ा, तो 40-50 रुपये में कंप्लीट। तो ऐसे में सिटी के अंदर घूमता था बहुत ही लोकल ट्रांसपोर्ट से, कायरो में कहीं भी मैंने गया था तो लोकल बस, लोकल मेट्रो, लोकल ट्रेन से ही मैंने सवारी की, तो खर्चा ज़्यादा नहीं आता है। कैब लोगे तो आपका 10 दिन का खर्चा कैब वाला आपको ले लेगा, हो गया ये। तो कायरो में मेरा 2 दिन, कायरो एक उन लोग कैपिटल है, मुझको थोड़ा सा कंट्री साइड देखना था, इजिप्ट का लोकल गांव देखना था, इजिप्ट का जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखना था, तो इसीलिए मैं कायरो से मैं 2 दिन के बाद मैं चला गया लक्सोर। बहुत लोग सिर्फ कायरो घूमते हैं भाई, आपको एक्चुअल इजिप्ट अगर देखना है आपको मिलेगा कायरो में, तो आपको मिलेगा, आपको लक्सोर और आसवान तो आपको जाना ही है। बहुत ही खूबसूरत शहर है लक्सोर एंड आसवान। लक्सोर में जाकर मैंने एक ही दिन रुका था, मीन्स नाइट ट्रेन कायरो से मैं रात का ट्रेन पकड़ा, सुबह जाकर पहुंच गया, थोड़ा मैं सुबह 4 बजे पहुंच गया, 4 बजे से 10 बजे तक मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, उसके बाद 10 बजे से मैं वहां पर एक लोकल जो एक ट्रैवल एजेंट था, मैंने पहले से ऑनलाइन बुक कर दिया था, मैं टोटल जो
लक्सोर का टोटल जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है पूरा घूम लिया एक दिन में। और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे मैं पहुंच गया सही ही ट्रेन से, लोकल ट्रेन से मैं पहुंच गया आसवान। तो आसवान में भी सेम होटल, मैं 5 दिन टोटल होटल 250 रुपये मेरा हॉस्टल का रुपीज़ पड़ा। और मैं टोटल जो ये इधर से उधर घूम रहा था इंटरसिटी लोकल बस से, लोकल ट्रेन से, नाइट ट्रेन से, मेरा टोटल ट्रांसपोर्ट का खर्चा पड़ा सिर्फ 3,500 रुपये। 3,500 रुपये इजिप्ट का ट्रेन का भी भाड़ा ज़्यादा नहीं है, इजिप्ट का लोकल बसेस का भाड़ा भी ज़्यादा नहीं है। आप एक शहर से दूसरे शहर आप बस से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, नाइट ट्रेन से भी जा सकते हो, ऑल अप टू यू। सभी ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। और जो होटल वाले हैं, होटल वाले को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करोगे मैनेजर को, वो भी आपके लिए कर देगा। तो 3,500 रुपये लगा मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा टोटल, मैं इजिप्ट जो 3 शहर घूमा। नाउ मैं आता हूँ फूडिंग। बाय गॉड इजिप्ट का जो फूडिंग है भाई इतना सस्ता है बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन, इंडिया से भी ज़्यादा सस्ता है इजिप्ट का फूडिंग। आपको खाने के लिए, फूडिंग के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं पड़ेगा। थाईलैंड में जाकर मैं खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, मलेशिया जाकर मैं खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, बट यकीन मानो इजिप्ट में जाकर आपको खाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। अगर आप वेजिटेरियन खाना खाना चाहते हो 30-25 रुपये में आपको पेट भर के खाना मिल जाएगा। अगर आप दूध में, मैं ज़्यादातर खाना खा रहा था, मैं थोड़ा सा बर्गर इन जैसे खाना 60 रुपये में इतना बड़ा साइज़ का चिकन बर्गर वहाँ पर मिल रहा था 60 रुपये में, 70 रुपये में। तो एक बर्गर खाने से पूरा डिनर पेट तो भर जाता था भाई पूरा। तो बहुत रिजनेबल है, बिस्किट केक बहुत रिजनेबल है आपको 10-15-20 रुपये में। टोटल में जो 5 दिन में घूमा, देखो 3 दिन जो ट्रैवल किया मैंने फ़्लाइट से, मैं जाने के लिए देर दिन आने के लिए दे दो तो फ़्लाइट में ही खाना, इंटरनेशनल फ़्लाइट में जम कर दबा के मैं खाया वो तो बाद ही दो। मैं खुद पॉकेट से जो पैसा दिया तो दैट इज़ द सिर्फ 1,000 से 1,200 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता आपको खाने के लिए। अगर देखो अगर आप लग्जरी खाना खाना चाहते हो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, अगर बेसिक खाना खा चाहते हो मेरे लिए बर्गर से काम चला लोगे, पैकेट फूड से काम चला लोगे, रोटी और थोड़ा सा आलू पटाटो जो काड़ी होता है उससे काम चला लोगे, तो आपको 1,000 रुपये इनफ एंड इनफ 5 दिन आपको खाने के लिए 1,000 से 1,200 रुपये। तो टोटल मैंने जो हिसाब किया 24,750 रुपये मेरा टोटल खर्चा पड़ा, फ्लाइट मेरा, रहना मेरा, लोकली घूमना, ट्रांसपोर्ट और खाने का। तो अभी आप देखो, देख लो वहाँ पर जाकर क्या क्या घूमना है। कोई कोई लोग सिर्फ इजिप्ट कायरो घूमता है, कायरो में देखो गीज़ा पिरामिड है, 2 पिरामिड है, नेशनल म्यूजियम्स है, और सिर्फ आपका और क्या एक अल खलील मार्केट है, मार्केट में तो कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, इजिप्शियन म्यूजियम, और सिर्फ आपको पिरामिड में जाने के आपको पैसा देना पड़ेगा, वो भी आपको 100-200-250 रुपये इजिप्शियन पाउंड आपको एंट्री टिकट है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो दूसरे जगह पर भी ऐसे 50 रुपये किसी जगह 100 रुपये, किसी जगह 200 रुपये, इससे ज़्यादा एंट्री फी नहीं होता है, मीन्स इजिप्शियन पाउंड में मैं बोल रहा हूँ एंट्री फी। तो ऐसे हज़ारों जगह है, किसी जगह जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो नहीं जाओ, दैट्स ऑल अप टू यू। इसलिए इसका कोई खर्चा मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। तो सोचो कितने सस्ते तरीके से आप इजिप्ट घूम सकते हो। सो दोस्तों किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, एक सॉलिड सा प्लान बनाओ। इजिप्ट अगर आप सपना हिस्टोरिक अगर प्यार करते हो तो यू मस्ट हैव टू विजिट इजिप्ट। अगर ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प किया, आपको हेल्प कर रहा है, आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दो, कमेंट करना कोई और भी चीज़ आपको जानना चाहते हो, मेक कमेंट ऑफ दैट ऑन दैट वीडियो कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ट्रैवल रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। तो मेरे दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।